नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यूपी के 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मलनी विधानसभा की रिक्त हुई सीट पर मंगलवार को वोट पड़े। कोरोना संक्रमण के बीच हुए इस उपचुनाव में मतदाताओं का काफ़ी उत्साह दिखा। सुबह 8 बजे के बाद से बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार अंत तक बनी रही, जिसका परिणाम रहा कि 3,65,013 मतदाताओं में से 56.67% यानी कुल 2,11,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान 16 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो गया। मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव की भी पर्याप्त व्यवस्था रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अर्धसैनिक व पुलिस के जवान तैनात रहे। मलनी उपचुनाव में 16 प्रत्याशियों में एक महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। कोरोना को देखते हुए बूथों पर मतदान कर्मियों व मतदाताओं की सुरक्षा के लिए थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था रही। बूथों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए गोल घेरे भी बनाए गए थे। 2 मीटर की दूरी पर बनाए गए इस घेरे में मतदाता अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। हालांकि शुरुआत में प्राथमिक विद्यालय अभयचंद पट्टी पर करंजा कला मॉडल बूथ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कोरोना से बचाव की कोई सामग्री नहीं उपलब्ध कराई गई थी, जिससे यहां पर शुरुआती दौर में किसी का हाथ सैनिटाइज व तापमान की जांच नहीं हो सकी। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक भी पूरे दिन चक्रमण करती रही। इसके साथ ही 6 जोनल मजिस्ट्रेट व 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी भ्रमण करते रहे। आपको बता दें कि मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर भी प्रत्येक बूथों पर मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए भ्रमण करते रहे। इन बूथों पर देरी से विलंब हुआ। आपको बता दें, जिन बूथों पर देरी से मतदान हुआ उसमें मतदान सुबह 7 बजे से होकर शाम 6 बजे तक चला है। इस दौरान कुछ बूथों पर देरी से मतदान शुरू हुआ है। इसमें प्राथमिक विद्यालय अभयचंद पट्टी मॉडल बूथ पर ईवीएम की बैटरी खराब हो गई थी, जिसको सेक्टर मजिस्ट्रेट ने आधे घंटे बाद पहुंचकर सही कराया। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय अभयचंद पट्टी परशुरामपुर बूथ व वीवीपैट खराब होने से मतदान बाधित रहा। यहां भी सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने बदल कर मतदान चालू कराया। इसके अलावा बक्सा के सद्दोपुर ग्राम पंचायत स्थित बूथ पर सुबह 7 बजे ईवीएम मशीन में आई तकनीकी खामियों की वजह से मतदान 1 घंटे विलंब से हुआ। मलनी सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की गई। जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से 22 सड़कों पर सीमा बनाकर चिन्हित किया गया था, जहां पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर वाहनों के प्रवेश को रोका जा रहा था। अगर स्थानीय लोग होते थे तो उनको पहचान कर वाहन छोड़ दिया गया। आयुक्त व आईजी ने बूथों का लिया जायजा। आयुक्त दीपक अग्रवाल व आईजी विजय सिंह मीणा ने पूरे दिन मलनी क्षेत्र में भ्रमण कर मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने भरतपुर स्थित मॉडल बूथ पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मतदाताओं से बातचीत की। इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय चक गोपालपुर में बने मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर ने लखनीपुर, बबूरा, उमरछा, खमपुर, नौपेड़वा, नेपाल नगर, मई आदि बूथों का दौरा किया। इस दौरान बचाव को लेकर मतदाताओं को अलर्ट करते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो